वासियों और काशी वासियों, नेताजी का मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाथ उठा कर बताइए। मूर्ति कहाँ लगेगा यह निर्णय समाजवादियों को करना है। और माननीय अखिलेश भैया उस मूर्ति का अनावरण करेंगे, आप लोग तैयार है? तो आज यह फैसला हो जाए कि माननीय जी की मूर्ति कहाँ लगेगी और उस मूर्ति को लगाने में किनका योगदान रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बनारस के सभी लोग उसमें माननीय नेताजी की मूर्ति लगाने में अपना योगदान हासिल करेंगे, अपना अपना पैसा लगाएंगे ना। तो आज मैं दो लोगों को इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ, जो दोनों लोग माननीय नेताजी की मूर्ति लगवाने की अध्यक्षता करेंगे और दोनों लोग आपके बीच में घूमकर जगह और पैसे की व्यवस्था करके और वो काम करेंगे। बनारस जिले के कुशल जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कर जी को मैं इसका अध्यक्ष बनाता हूँ। इनके सहयोग में राजा किशोर संजय यादव जी को आप लोगों के साथ जोड़ता हूँ। ये दोनों लोग निर्णय करेंगे। मैं दोनों लोगों को सामने बुलाना चाहता हूँ, राजा किशोर संजय यादव जी और सुजीत यादव लक्कर जी को, कि दोनों लोग आवे और आप लोग दोनों लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे कि माननीय नेताजी की मूर्ति लगेगी और 6 महीना के अंदर मूर्ति लगनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली और दिनेश यादव जी और शशि प्रताप सिंह ने सोनी कोल पार्टी के सहयोग में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी साजिश कर सकते हैं, कुछ भी षड्यंत्र, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ, गिरा गायकों को धन्यवाद देता हूँ, अपने नौजवानों को भी, जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। वही जो हमारे नेता मंच पर बैठे उनका धन्यवाद, जो ये बहुत सारे साथी मैंने एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक बहुत से साथियों को स्वागत माला लिए देखा है इसलिए नहीं मैं रुक पाया। लेकिन हम सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मुझे उम्मीद है करेंगे और मैं वोट देकर के पार्टी को जिताने का काम करेंगे।